दो नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये दो नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी। शिव झेल शंकर झेल वचन दिया है भगवान शिव ने इस नाम पर। जब कुंदुक फेंका गया माता पार्वती के पास से विदल उत्तर को मानने के लिए, वो कुंदुक शंकर जी के चरणों में जाकर गिर गया, शिव जी के चरणों में। शंकर भगवान के चरण में जैसे ही जाकर गिरा तो थोड़ा सा रक्त का भाव आया, रक्त का भाव आया, देखा पार्वती जी की आंखों में जल भर गया। शिव जी कहते हैं तू क्यों चिंता करती है पार्वती, तेरा कुंदुक मेरे चरणों में आकर पड़ा है, मेरा नाम कुंदकेश्वर होगा, जो हृदय से इस कुंदकेश्वर नाम का जप करेगा या स्मरण करेगा उसके जीवन के सारे दुख बीमारी रोग और उसके काल को मैं हर लूंगा और उसको आनंद प्रदान। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण बड़ा आनंदित है।